ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। बहुत सारे जातकों को मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इन आदतों को बहुत जल्द आप छोड़ दीजिएगा, अन्यथा आपके जितने भी ग्रह अपनी कुंडली में अच्छे हैं वो भी आपको शुभ परिणाम नहीं देंगे और आपकी लाइफ हमेशा ख़राब होती रहेगी। आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे, हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, हमेशा आप चीज़ों में उलझते रहेंगे और अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हैं, जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जातकों में यह आदतों का होना देखा गया है और इनकी वजह से उनके लाइफ में इतनी सारी परेशानी, इतना स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है कि हम चाहकर भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हम चाहकर भी चीज़ों को नहीं समझा सकते हैं। इसलिए आज मेरा निवेदन है कि आप इन बातों को, मेरी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपकी जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपके जीवन में ग्रहों के जितने सारे नकारात्मक प्रभाव है उनको भी आप, उनसे भी बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं और पूरा वीडियो यहाँ से देखना, बिल्कुल देखना और मेरी बातों को बहुत बारीकी से समझना। सबसे पहली जो आदत है बहुत सारे जातकों की, बिना सोचे समझे बोलना, बस उन्हें बोलने से मतलब है। और ये जातकों में कई बार राहु के खराब होने की वजह से होते हैं। आप नहीं चाहते हैं बोलना लेकिन सिचुएशन ही ऐसी आती है कि आप बोले बिना रह नहीं सकते, आपको ये बात कहनी ही पड़ती है। लोग आपकी अच्छाई को नहीं एड्रेस करते हैं, लोग आपके अच्छे कामों को एड्रेस नहीं करते हैं, आप जो भी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं उन्हें कोई ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं, पर आप एक खराब बात जो सही, उसे बोलने का वक्त था और वो बोलना आपके लिए ज़रूरी था, आप वो बात कह देते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे कितनी भी बस सिचुएशन हो, खराब से खराब सिचुएशन हो, हमें बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। और ख़ासकर आप बहुत सारी चीज़ों को वक्त पर छोड़ने की आदत डालें, वो आपकी लाइफ में हमेशा आपकी उन्नति करेगा। क्योंकि लोग आपके 99 अच्छे कामों को भूल जाते हैं और एक जो बात आपने कही उसे पकड़ कर रख लेते हैं और सब चीज़ें खराब हो जाती है। और ये पूरा सिचुएशन आपकी लाइफ में होता ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये राहु से जनित एक समस्या है और ये राहु से जनित एक आदत है, इस पर विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है, बहुत सारे जातक अपने मन से नहीं चलते, मतलब अपने तरीकों से, अपनी बातों से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने निर्णयों से, इनसे नहीं चलते। उन्हें हर एक लाइफ में दूसरों के निर्णयों पर चलना पसंद होता है, फिर बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करना है। जो भी लाइफ के डिसीजन है वो हमें लेना है, हमें ऑब्जर्व करना है। हाँ, माता पिता हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए सही निर्णय लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो निर्णय आपको स्वयं को लेना है। वो चीज़ें माता पिता शायद आपकी मनस्थिति नहीं समझ पाए, कई बार चीज़ें हो जाती है, तो वो निर्णय हमें लेना है और आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये नहीं कर पाने की वजह से आप अपनी लाइफ में कई सारे सकारात्मक चीज़ों को और सकारात्मक बातों को छोड़ देते हैं, तो ये भी आदत को सुधारने की आवश्यकता है। तीसरी और महत्वपूर्ण आदत जो बहुत सारे जातकों में आपके देखी गई है वो है कि परोपकारी बहुत है, लेकिन परोपकार बिना सोचे समझे वो परोपकार कर। आप पहले चीज़ों को समझे तो सही कि क्या वाकई में ये मदद के लायक है भी कि नहीं। मदद करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी उठे छूटे और मदद कर दें, उससे नुकसान आपका है, आपका धन का नुकसान है, आपका वक्त का नुकसान है। और जब आपको सही चीज़ें पता लगती तो आपको बहुत पश्चाताप होते और मन में शक और शंका पैदा होती है फिर अगली बार किसी की मदद करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन ये कभी भी लाइफ में नहीं होना चाहिए। जब भी परोपकार करें, चीज़ों को थोड़ा सा समझें, थोड़ा डीप आप ऑब्जर्वेशन करें, तब जाके आप आगे बढ़ें। मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आप बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इन आदतों पर आपको बहुत हद तक कार्य करने की आवश्यकता है। जो लोग नशा करते हैं उनसे दूर रहें, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते उनसे दूर रहें, क्योंकि ये सभी ग्रहों को खराब करते हैं।